आदि पुरुष एक इस तरीके की मूवी है जिसके अंदर पूरे पूरे सेंटिमेंट्स इवोक हुए हुए थे, और मेकर्स ने ये चांस छोड़ दिया कि वो इस सेंटिमेंट्स को राइटफुली यूज करते और एक इसको बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बनाते। इसके अंदर प्रभास भी थे जो इसको और भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते थे, क्योंकि वो एक पैन इंडिया का बहुत बड़ा स्टार है जो कि डे वन के अंदर आपको बहुत सारी पब्लिक ला के दे सकता है, और ये जो टॉपिक है वो नेशनली कनेक्ट करता श्री राम से रिलेटेड। बट जो भी इसका फॉर्चून हुआ, अब बहुत से लोग इसके रिलीज का वेट कर रहे हैं OTT के ऊपर। क्यों कर रहे हैं ये तो समझ में नहीं आया, क्योंकि इसकी धज्जी तो इसी प्रीमाइस पे उड़ाई गई थी, क्योंकि ये मूवी जो है वो उस भावना को इवोक नहीं कर पाई थी जो कि ट्रू रामायण में हमें दिखी थी, स्पेसिफिकली रामायण जिसके अंदर अरुण गोविल हुआ करते थे, रामानंद सागर ने वो रामायण बनाई थी। इसके दो भाग में ये मूवी आने वाली है, एक तो होगा जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पे आपको देखने को मिल जाएगी, 14 या 15 अगस्त को वो रिलीज़ होने वाला है, और आप इन्जॉय कर लेना उसको अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भावना से ज़्यादा प्यार है ना कि एग्जीक्यूशन से, तो मेरे ख्याल से फिर आपको ये मूवी ठीक लग जाएगी। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता होगा रामायण के बारे में, तो कुछ सीख लेंगे इसके अंदर से कुछ कुछ एलिमेंट, अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि सेंटिमेंट्स हर्ट होने वाले हैं तो फिर आप मत देखना। बाकी हिंदी का जो वर्जन है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगा, और वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, और ये एक साथ नहीं रिलीज होंगे तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। तो ऑल द बेस्ट, देखो एंजॉय करो घर के स्क्रीन के ऊपर, टिकट देख के तो कोई दिख गया नहीं।